कुंभ राशि, समय हाथ से फिसलता जा रहा है, ऐसा चमत्कारिक मौका कहीं हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों, आज की सुर में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के कुछ ऐसे चमत्कारिक मौकों के बारे में बताने वाले हैं जिसे कि जानना बेहद जरूरी है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर हाथ में आया जो कि बड़ा धन भी हाथ से निकल सकता है। विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं यानी कि हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना गवाई शुरू करते हैं। दोस्तों, आप खेल खुद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अगर आप ज्यादा खेलकूद करेंगे तो उससे आपका शरीर मजबूत रहेगा, कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर किसी से उधार लिया है तो वह कभी ना कभी आपको देना ही होगा। जब आपके पास पैसे आ जाए तो उसे तुरंत वापिस कर दिया करेगा। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आपके प्यार को न सुनना पड़ सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य ना करें जो आप स्वयं ना करना चाहे। अगर आप किसी कार्य को स्वयं करते हैं तभी उस कार्य को करने के लिए दूसरों को कहा करें, अगर खुद ही नहीं करते तो दूसरों को करने के लिए ना कहें। आपका खाली समय मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी महसूस हो सकती है क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन भी बीतेगा। दोस्तों, इस दिन के सितारों की स्थिति आपकी वित्तीय संभावनाओं के लिए बहुत ही शुभ बनी हुई है। दोस्तों, दिन के अवधि में भाग्य की शुभता बनी हुई है। साहस के साथ अपने व्यावसायिक सफलताओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। ये लाभ कुछ इस तरह से होंगे कि जिसे देखकर आपका मन बहुत ही उछल पछल कर रहेगा। परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास उच्च बनाए रखना होगा। यह आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा नए उद्यमों को शुरू करने के लिए साहसपूर्वक आप ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए समय अनुकूलता बनी हुई है। दोस्तों, समय हाथ से फिसलता जा रहा है, ऐसे चमत्कारिक मौके को हाथ से ना गंवाएं। दोस्तों, समय जो कि आप छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल देखना, टीवी देखना या फिर सोए हुए दिन बिताना, इस तरह से आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस समय में आपके हाथ में बड़े बड़े मौके आ रहे हैं फिर भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी आलस बैठा हुआ है, जो भी आप आलसी बने हुए हैं, उसको पहले बाहर निकालिए। दोस्तों, फ्रेश दिन भर फ्रेश रहने के लिए सुबह उठने के बाद आधा घंटा 15 मिनट व्यायाम करें और 15 मिनट योगा करें। सिर्फ आधा घंटा अगर हर रोज व्यायाम और योग में लगाएंगे तो पूरा दिन फ्रेश रहेगा। पूरा दिन फ्रेश रहने से आप आलसी नहीं होंगे और आपके सामने जो भी मौके दिखेंगे उसे आप हथिया लेंगे। तो सबसे पहले आपको हर रोज आधा घंटा व्यायाम और योग के लिए देना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। प्रेम संबंध सुदृढ़ होगा और स्थितियां अनुकूल रहेगी। इस संबंध में आपको किसी महिला की मदद भी प्राप्त होगी जिनकी राय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। दोस्तों, दिन के अंत में आप अपने साथी के सानिध्य में सुख समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, इस दिन यानी कि इन दिनों में आप अपने प्रेमी के साथ किसी बेहतर स्थान पर शिफ्ट होने का मन भी बना सकते हैं या फिर घर की साज सज्जा में कुछ निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा जिससे कि मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने से आपका मन प्रसन्नता से खिल उठेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं आपका करियर और व्यावसायिक राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। व्यावसायिक संभावनाओं के लिए दिन के सितारों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं बनी हुई है। दिन की अवधि के ग्रहों की भविष्यवाणी आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। इस अवधि में अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। अधीनस्थों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपको विशेष प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य राशिफल की बात करते हैं। दोस्तों सितारे आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण भी नहीं बन रहा है। आप अपना व्यायाम और योगा चालू रखें, स्वस्थ खानपान रखें। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचारधारा से दूर होकर हसमुख बने रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी परेशानी आपको छड़े तो उसे लेकर मन में नकारात्मक विचार को ना आने दें। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम दस्तक दी है तो अपना हसमुख चेहरा बनाए रखें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घ काल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाइयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो ग्रह चाल के अनुसार दिन आपके लिए पारिवारिक कल्याण के विषयों में अवरोध डाल सकता है तथा आपके खर्च नियंत्रण से बाहर होकर हर प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। यहां तक कि आपको ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए अपने खर्चों को समय रहते सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध कर लें। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए यात्रा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। यात्राओं के लिए दिन की शुभता विशेष रूप से नहीं बनी हुई है। इस अवधि में यानी कि इस सप्ताह में अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को यात्राओं के माध्यम से निपटाना लाभकारी नहीं रहेगा। यात्राओं के द्वारा लाभ की प्राप्ति बहुत ही सरलता से नहीं हो पाएगी। ग्रहों के विपरीत होने के कारण इस समय में आपको अनावश्यक यात्राएं करने से बचना होगा। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए यदि आपको यात्राएं करनी भी पड़े तो आप इसके लिए रेल, सड़क मार्ग और वायु मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको हर रोज इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। साथ ही आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों का समाधान भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको शादी के बारे में कुंडली बनवानी है, शादी कब कहाँ किससे होने वाली है इसके बारे में पूरी डिटेल से विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वहां पर व्हाट्सअप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह कि सशुल्क है, बहुत ही कम कीमत में आपको जो कि दक्षिणा, उसे आप कीमत नहीं बोल सकते, दक्षिणा में आपको कुंडली बना के दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।